लग्जरी दीदी आई थी, वही सिंपल वाली, याद है ना आपको? हाँ, तो वो आप बोलोगे उसमें हंसने वाली क्या बात है, अभी उसने क्या कर दिया? तो वो इनो मांगने के लिए आई थी। तो इनो मांगने के लिए आई थी तो मुझे लगा उनको एसिडिटी हो गई है, तो मैंने पूछा दीदी आपको एसिडिटी हो गई है क्या? तो बोलती है नहीं। तो मैंने पूछा फिर आप केक बनाने वाले हो क्या, मुझे भी थोड़ा सा दोगे? तो बोलती है नहीं। मैंने बोला आप मुझे केक नहीं दोगे? तो बोलती है नहीं, मैं केक नहीं बनाने वाली हूँ। तो फिर मैंने पूछा फिर आप इनो को क्या करोगे? तो बोलती है इनो में अगर नींबू का रस मिला है और वो है ना फेस पे लगा है तो आप गोरे हो जाते हैं। तो मैंने दीदी से पूछा अच्छा आपने ये कहाँ पे पढ़ा? तो बोलते मैंने सोशल मीडिया पे देख लिया, ये लोग ना कुछ भी करते रहते हैं इसलिए उनको पिंपल्स हो जाते हैं। फिर ना मैंने मेरा फटाक से दिमाग चलाया, मैंने बोला दीदी रुको हम किसी बड़ों से पहले पूछ लेते हैं फिर ऐसा करना, नहीं तो हम लोग को पिछली बार डॉक्टर के पास जाना पड़ा था ना पिंपल्स की वजह से, याद है ना? तो फिर मैं उनको दादी के पास लेके गई। मेरे दादी को पूछा दादी दादी ये देखो क्या बोल रही है कि इनो में नींबू का रस मिला गोरे हो जाती है, सच है क्या दादी, मैं भी लगाऊं क्या? तो दादी मुझे चिल्लाई हैं तू है पहले से गोरी और कितनी गोरी होना है? तो फिर मैं डर गई, फिर मैं चुप हो गई। ये दादी दीदी को समझाने लग गई कि ऐसा नहीं होता बेटा, इनो में अगर नींबू का रस भर लगा है ना मिला है ना तो वो ये एसिडिक फॉर्म में बदल जाता है, मतलब पहले से ही वो एसिड होता है, वो ज्यादा हैवी हो जाता है तो अपनी स्किन जल सकती है, तो ऐसा कुछ ना करे। तो मैं दादी को देख रही थी तब, क्योंकि दादी मुझे चिल्लाई थी ना, तो फिर उनको दीदी को समझ आ गया कि ऐसा करना गलत है, तो दीदी ने तो नहीं लगाया। फिर मैं दादी से रुक गई थी ना इसलिए ना, फिर दीदी ने मुझे बाहर ना लेके गई और आइसक्रीम भी खिलाया क्योंकि उनकी स्किन मैंने जलने से बचाई ना, और उन्होंने मुझे ढेर सारे चॉकलेट भी दिए, बहुत मजा आया। पर ऐसा करना खतरनाक हो सकता, चलो।